भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने हिमाचल कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम को एक शिकायत पत्र देकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हिमाचल प्रदेश के संयोजक चेतन ब्राचा ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 की एक पुरानी वीडियो को, जो भाजपा के विधायक की नहीं है, उसको जनता को गुमराह करने की नियत से ट्वीट कर एक तुच्छ प्रयास किया है, जबकि ये वीडियो एक कर्मचारी नेता का है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखलाहट में अपना स्तर इतना नीचे गिरा चुकी है। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने मामले को लेकर कहा कि जो वीडियो ट्वीट किया गया है वो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है, किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर कांग्रेस को बदनाम करने की हरकत की है। देखिए, कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 5:34 में एक ट्वीट करा और उसमें एक ऐसा वीडियो उन्होंने निकाला जो पिछले साल का वीडियो था, जिसमें एक किसी कर्मचारी नेता की पटाई हो रही है। और उस ट्वीट को उन्होंने ये बताया उसमें, उस वीडियो को, कि एक ये भाजपा के एमएलए हैं हमीरपुर से, उनकी पटाई हो रही है और जनता उनसे नाराज़ हो रही है, इसलिए उनकी पटाई हो रही है। कल हमने इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया। आज हमने इलेक्शन कमीशन में भी इसकी फॉर्मल हमने प्रोटेस्ट कराया है और उनकी शिकायत करी है। साथ ही मैम, आप आज साइबर सेल के पास हम अभी आए हैं और हम ऑफिशियली एक एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, जो ये बात हुई है वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी का जो पीसीसी का ट्विटर अकाउंट है उससे ये नहीं गई है। हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं कि किस वजह से ये हुआ है और किन लोगों ने ये किया है। लेकिन इतना निश्चित तौर पर है कि जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ये उससे नहीं गया है।